सन्नी, इन्होंने लिखा है कि जब बिशप अमरदीप जी के घर पर बंदगी थी तो उस दिन प्रभु यीशु मसीह जी ने इन्हें पवित्र आत्मा दिया, वे अन्य भाषा का वरदान दिया। पास्टर जी को जय मसीह की। जब पास्टर जी के घर बंदगी थी, जब मैं गया परमेश्वर के भवन में पास्टर जी की बंदगी थी, तो तब मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला और पवित्र वो क्या नाम है अन्य भाषा का भी वरदान मिला। इस करके मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो कितने दिन हो गए थे चर्च में आते? हमको काफी टाइम हो गया, साल भर तो हो ही गया। साल भर हो गया जी। उसके बाद अब उस दिन मेरे को भी मिला, पवित्र आत्मा भी मिला और अन्य भाषा का वरदान भी मिला। इसके मम्मी भी पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरते हैं, उन्हें भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। सबसे पहले तेरी बहन को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला जी शुरू में वंदना। तो तेरी सिस्टर के बाद तेरी मम्मी को मिला। हाँ जी, फिर मेरे को मिला। अब पापा की बारी है। अच्छा। हालेलुया। ओके, सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता। हमारे घर पे बंदगी थी और उस दिन इसे पवित्र आत्मा व अन्य भाषा का वरदान मिला और एक साल बाद। तो पहले सिर्फ जेंटलमैन बन के आते थे और वापस जाते थे, लेकिन आज पहला एतवार है ना यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, पहला एतवार है। तो आज पता चला, पहले देखते थे ये क्या हो रहा है। यही होता था। कैसा लग रहा पवित्र आत्मा पाकर? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा सामना, बहुत ज्यादा अच्छा। एक नई एनर्जी सी आ रखी है शरीर में, बहुत अच्छा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।